आज हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम के ऊपर। एक कोई स्टूडेंट है जिसने मुझसे पूछा है कि सर मुझे बता दीजिए, हालांकि किसी इंटरव्यू का क्वेश्चन लग रहा है जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा है। तो जैसे बोला गया है कि ये आपको इसमें से इस तरह का फॉर्मेट पर तैयार करना है, तो सबसे पहले आपको यूनिक लिस्ट निकालना होगा। और इन्होंने साफ मना कर रखा है कि यूनिक फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यूनिक फॉर्मूला हमारा लेटेस्ट एक्सेल में होता है। इसलिए तो आप यहाँ पे पहले उसको पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आपके पास डेटा मेनू के अंदर में होता है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिमूव किया, कंटिन्यू सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट एंड ओके। इसमें जितने भी डुप्लीकेट्स थे वो रिमूव हो गए। अब इनके जो नंबर है ना वो इस तरह से कॉमा कॉमा करके लाया जाए। देखिए एक चीज जान लीजिए कि आपका एक्सेल अगर पुराना 2007 वगैरह है तो ये चीज विदाउट बीवीएस नहीं होता है, लेकिन आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो आप यहाँ लगा सकते हैं टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला। टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला में हमने कॉमा दिया, स्लैक हम इग्नोर कर देते हैं ब्लैंक को, और यहाँ इफ कंडीशन लगाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इक्वल, सेलेक्ट करने के बाद हमने इक्वल हमने बोला कि अगर ए है तो यहाँ इसकी सीक्वेंस नंबर को दे दे, अदरवाइज ब्लैंक कर दे। और टेक्स्ट ज्वाइन में ब्लैंक मैंने स्किप किया हुआ, इसलिए एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने एक कॉमा होके सारे हो गए। ए मल्टी शीट वी लुकअप वाला, मल्टीपल जो डेटा होता है वी लुकअप, उसके लिए। अब नीचे ड्रैग करने से पहले मैंने सारे इसको फ्रीज कर दिया और नीचे की तरफ इसको हम ड्रैग कर देते हैं, इजिली ड्रैग हो गया यहाँ इस तरह से, यहाँ सिंपल। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि नोट यहाँ पे होता अनप्रिपेयर्ड डेटा यूजिंग द फंक्शन ओनली नॉट पावर क्वेरी। अब ये चीज गलत है क्योंकि ए पिवट फॉर्मेट में है ही नहीं जो अनपिवट होगा, ये ऑलरेडी हमारा डेटा फॉर्मेट है, तो अनपिवट होगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि अनपिवट होता है, जैसे कि आपने अगर यहाँ पे नेम लिख दिया और यहाँ जैन फै मार्च लिख दिया यहाँ और यहाँ पे पूजा लिख दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग पिवट फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? पिवट फॉर्मेट। तो इस पिवट ऑलरेडी पिवट फॉर्मेट में हुआ। अब अनपिवट करने का मतलब है कि इसको जो नॉर्मल जो डेटा फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में लाना, दैट इज द अनपिवट। तो अनपिवट कैसे, क्या मतलब क्या है? तो अनपिवट है जैसे कि यहाँ पे नेम हो जाएगा, यहाँ हमारा मंथ हो जाएगा और यहाँ हमारा सेल्स हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे हम कॉपी करते हैं। हालांकि इसके लिए बीवीए का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिए जैन को लिया, जैन को सेलेक्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, और फिर एक कर्म जो है फरवरी महीने के नीचे के नीचे का आया था, इसको अनपिवट कहा जाता है। तो अनपिवट फॉर्मूला से बहुत ही टिपिकल है, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नॉर्मल नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, इसी चीज को पावर क्वेरी में हम आसानी से कर देते, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट पावर क्वेरी फंक्शन वन, तो फॉर्मूला बहुत लेंदी। थैंक यू। अगले वीडियोज में हम कभी टाइम निकाल के इस फॉर्मूले के ऊपर जिक्र करेंगे।